देखिए नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और इस वक्त हम काराकाट के अमौरा के धरती पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पवन सिंह का आगमन हो चुका है और किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। आप देख सकते हैं कि पवन सिंह का एक झलक पाने के लिए अमौरा के नगरवासी किस तरह से जनता बेताब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना भीड़ है कि भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। पवन सिंह बाहर नहीं निकल पा रहे गाड़ी से। देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन सिंह का देखने के लिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ बेताब है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आपको लाइव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अमौरा की जनता इस तरह से भीड़ लग गया है कि पवन सिंह को समझ नहीं आ रहा है, नहीं बुझा रहा है। देख सकते हैं आप, अगर चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो चारों तरफ जनता का भीड़ किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे पहुंचने का बात नहीं है। हटिए। पवन सिंह का झलक पाने के लिए यहाँ की जनता किस तरह से बेताब है। देख सकते हैं आप, धक्का मुक्की हो गया है और पवन सिंह यहाँ पर निकल गए हैं बाहर। पवन सिंह यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। ठेला ठेली जैसा माहौल हो गया है और पवन सिंह यहां पर बाहर निकल चुके हैं, फिर भी यहां पर जनता, यहां पर भीड़, आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से है। यहां की जनता में एक झलक पाने के लिए यहां की जनता बेताब है और देख सकते हैं पवन सिंह का झलक पाने के लिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ है लगा हुआ है। और भैया जिंदाबाद। और भैया जिंदाबाद। झमकावला से वही। देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन सिंह के जिंदाबाद के नारों से पूरा यहाँ की जनता बेताब है और बहुत भीड़ लग गया है यहाँ पे। जिधर अगर आप नजर दौड़ाते हैं बस पवन सिंह यहाँ से निकलिए ना। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे पवन सिंह इस समय अमौरा के स्कूल पे, यहाँ पर बकसबा का मंदिर भी है और लॉलीपॉप सिंगर जिंदाबाद, पावर स्टार जिंदाबाद। पवन सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पवन सिंह एक अच्छा कार्यकर्ता है, निर्दलीय एक तो प्रत्याशी है, हम उनको पूरा समर्थन करना चाहते हैं। पवन सिंह जीतेगा तो विकास करेंगे। काराकाट की जनता किस तरह से देख रहे हैं पवन सिंह को? बहुत अच्छा नजरिए से उनको देखा जा रहा है। पवन सिंह एक अच्छा प्रत्याशी भी है। क्या लगता है पवन सिंह यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? एकदम जीतेंगे, अनेकों वोट से जीतेंगे। हम युवा उनके साथ में खड़े हैं। पवन सिंह जीतेगा, पावर स्टार जिंदाबाद। जिंदाबाद पवन सिंह के जिंदाबाद के नारों से यहाँ के अमौरा की धरती गुंजमान हो चुका है और भीड़ तो यहाँ पर देखने में बनता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ किस तरह से पवन सिंह का एक झलक पाने के लिए यहाँ पर भीड़ किस तरह से बेताब है। तो यहाँ पर आप पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब की बात पवन सिंह, क्या नाम हुआ आपका? करण चौहान। काराकाट की जनता पवन सिंह को किस नजर से देख रही है? बहुत अच्छा नजर से। क्या लगता है पवन सिंह इस बार यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? अब की बार पावर स्टार झमकावला से हो। पवन सिंह का गाना सुनते हैं। देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर बाप रे बाप, बहुत भीड़। इतना भीड़ तो हमने देखा ही नहीं था पहले। यहाँ पर इतना भीड़ है, देख सकते हैं आप कि भगदड़ टाइप से मच गया है। भगदड़ टाइप जैसा यहाँ पर मच गया है और पवन सिंह का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर अंग वस्त्र देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है पवन सिंह को।
पवन सिंह का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है अंग वस्त्र देकर। पवन सिंह की देख सकते हैं आप, हम अभी यहाँ पर लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पवन सिंह को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे वो। देखिए भाई बतार मत, अरे भाई वहीं तो देख सकते हैं आप कि पवन सिंह को भागना पड़ा यहाँ से। चलिए चलिए बहुत यहाँ पर मऊरा पुल पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो पवन सिंह का देखने के लिए यहाँ पर किस तरह से जनता बेताब है आपको हम दिखाने का यहाँ कोशिश करेंगे लाइव यहाँ पर काराकाट में मऊरा में पवन सिंह का आगमन काफी जोरों शोर से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और देख सकते नजर आ रहे हैं आपको पावर स्टार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे चिल्ला भाई चिल्ला, पावर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पावर भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला, पवन भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी पे बैठ चुके हैं पवन सिंह और यहाँ से सीधे प्रस्थान करेंगे। ठेला ठेली जैसा माहौल हो चुका है यहाँ पे, पूरा यहाँ पर भगदड़ मच चुका है और फिर यहाँ से पवन सिंह मिलने के बाद प्रस्थान करेंगे।